शतरंज और सियासत की बिसात में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। जैसे शतरंज में आगे चाल चलने से पहले दूसरे मोहरों की तिरछी आड़ी और आगे पीछे की चाल समझनी होती है, वैसा ही कुछ सियासत में भी करना पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल में चुनावों में अपना सब कुछ झोंक रही बीजेपी कुछ ऐसे ही कदम बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में हम आपको राज की बात बताते हैं कि पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेताओं को पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नहीं भेजा जाएगा, वो क्यों आगे समझते हैं। हर चुनाव में बीजेपी सभी राज्यों के दिग्गजों को चुनाव में उतारती है। ब्लॉक और पंचायत के स्तर पर दिग्गज मोर्चा संभालते हैं, लेकिन राज की बात यह है कि किसान आंदोलन के बाद बदलते सियासी समीकरणों के बीच बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति की धुरी के अलाइनमेंट को थोड़ा चेंज किया है। अब सवाल ये है कि आखिर ये फैसला बीजेपी आला कमान ने क्यों लिया। दरअसल जिन नेताओं को बंगाल कैंपेन में ना भेजने का फैसला लिया गया है, वो उन क्षेत्रों के हैं जो किसान आंदोलन से प्रभावित हैं। बीजेपी आलाकमान ने इन नेताओं को अपने क्षेत्रों में किसानों से बातचीत कर मामले का हल निकालने की जिम्मेदारी दे रखी है। ये तो हुई साधारण सी बात, लेकिन राज की बात इससे बड़ी है और गूढ़ है। वो ये कि पश्चिम बंगाल में यदि पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के नेता जाते हैं तो जमीन पे इन राज्यों में उनके जनाधार यानी कार्यकर्ताओं का झटका लग सकता है। वो कैसे, इसको समझते हैं। सबसे पहले बात पंजाब की करते हैं। अकाली दल के बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। जानकारी है कि चंद बड़े बीजेपी नेताओं को तोड़कर अपने पाले में करने की कोशिश कांग्रेस और अकाली दल की तरफ से जारी रहती है। ऐसे में बीजेपी के सामने खतरा ये है कि अगर बड़े नेताओं को बंगाल में लगा दिया गया तो कहीं जमीनी स्तर पर तोड़फोड़ से पार्टी को स्थानीय स्तर पर नुकसान ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ नाम मात्र के जुझारू नेताओं को भी पंजाब में बीजेपी खो दे। हालात हरियाणा में भी ऐसे ही हैं। तोड़फोड़ वाली राजनीति की गुंजाइश की तलाश वहां भी जारी है। ऐसे में हरियाणा के नेताओं को किसानों पर ही फोकस करने को कहा गया है। और बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की करें तो यहाँ के जाट नेताओं के साथ बीजेपी आलाकमान ने बैठक की और किसानों को समझाने की जिम्मेदारी दी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मामला इसलिए संवेदनशील है क्योंकि अगले ही साल यूपी में चुनाव है और थोड़ी सी चूक मिशन 2022 पर भारी पड़ सकती है। एक कहावत चलती है कि आधी छोड़ पूरी को ध्यावे और आधी मिले ना पूरी पावे, तो बीजेपी इस बात को समझ रही है। इसीलिए पश्चिम बंगाल को जीतना उसकी प्राथमिकता में है, लेकिन इसके लिए वो अपने पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई जनाधार को कमजोर नहीं करना चाहती है। इसलिए इन नेताओं की जिम्मेदारी वहां पर किसानों को मनाने के साथ साथ में संगठन को संभाल कर रखने की भी है।